कल 4 जुलाई 2022 को अराउंड 1 बजे हमारे OC 0 इंस्पेक्टर मिलो लालेंग के पास उनके सोर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है कि एक सस्पेक्टेड पर्सन विल बी कमिंग फ्रॉम आसाम टू सेल ड्रग्स एट हपोली टाउन. सो अकॉर्डिंगली टीम वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड कंप्राइजिंग ऑफ द OC ऑफ पुलिस स्टेशन 0 अलॉन्ग विद वुमेन इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस स्टेशन 0 वुमेन पुलिस स्टेशन 0 एंड द पुलिस स्टेशन स्टाफ विच वॉज लेड बाय आर DSP तासीदारन. सो वेन दे सॉ द सस्पेक्ट ही वॉज एप्रीहेंडेड एट परालिन हपोली टाउन. इमीडिएटली द इंफॉर्मेशन वॉज गिवन टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. शी ऑल्सो केम एंड अलॉन्ग विद द पुलिस पार्टी एंड दिस अप्रीहेंडेड इंडिविजुअल जिसका नाम है फैजुल हक. सो दे वेंट टू द रेजिडेंस ऑफ वन गोपाल राय हु इज ऑल्सो द को एक्यूज इन दिस NDPS केस. सो गोपाल राय के रेजिडेंस पर जो कि बना हुआ था हिल टॉप हपोली में जब ये लोग वहाँ पहुँचे सो द रूम द डोर ऑफ द रूम वॉज लॉक्ड एंड ही द गोपाल राय हैंडेड ओवर द कीज टू आर टीम रेडिंग टीम. और जब हमने वहाँ का डोर खोला सो वी फाउंड 3 पाउचेस एंड 68 वायल्स. सो इन सब में मिला के अराउंड 142 ग्राम्स ऑफ हेरोइन हैव बीन सीज्ड बाय अ रेडिंग टीम. इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट इसमें हमारा जो ब्रेक थ्रू है वो ये भी है कि द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल विच वॉज यूज फॉर कन्वेंस पर्पज दैट इज़ द टाटा सुमो ही हैज़ ऑल्सो बीन अरेस्टेड. सो अ टोटल ऑफ 3 accused persons हैव बीन अरेस्टेड इन दिस केस रिजल्टिंग इन द सीजर ऑफ अप्रॉक्स 142 ग्राम्स ऑफ हेरोइन विच आई बिलीव इज़ अ वेरी गुड रिकवरी एंड आई डोंट थिंक दैट इन दिस ईयर सच अमाउंट हैज़ बीन रिकवर्ड इन जीरो. अलॉन्ग विद दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैंशन दैट आर लोअर सुबानसी डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट दैट मच अफेक्टेड विद ड्रग्स एज द केस ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बट स्टिल आर डिस्ट्रिक्ट पुलिस आर कम द इंटायर फोर्स इज कमिटेड एंड डेडिकेटेड टूवर्ड्स ड्रग मैनेंस एंड वी विल वर्क हार्ड वी विल स्ट्राइव हार्ड एंड वी विल मेक अ वेरी बिग डेंट इन द चेन सप्लाई ऑफ द ड्रग्स. सो विद दिस आई एंड माई पॉइंट्स हेयर. यस हिज नेम इज जाकिर हुसैन एंड ही बिलोंग्स टू आसाम सो इज नॉट फ्रॉम अरुणाचल. बट पार्डन डेफिनेटली ही वॉज विद द अक्यूज्ड एंड हिज व्हीकल वॉज यूज ही वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर ट्रांसपोर्टिंग ड्रग्स टू हपोली फ्रॉम आसाम. सो एज यू नो दैट मेयर इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज बाई द पर्सन. इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इफ ही इज कमिंग अलॉन्ग विद द सस्पेक्टेड पर्सन विद द कॉन्ट्रबैंड सब्सटेंसेज हैड ही बीन इनोसेंट ही वुड हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस विच ही डिडंट डू. सो ही इज equally an accused in this case. That we cannot reveal. Yes. Next question. सर ये एक सवाल है कि जो जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट है इसको अभी पकड़ा है तो उसको क्या डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ रिवार्ड उसको कुछ? Definitely it's an excellent work. I must congratulate my entire team. My entire team is here with me and I am very happy to share that our district administration has also lauded our efforts and they have also announced the reward for us. So hopefully I'll also reward my team at my level, district administration will also reward them and I'll try my best that my senior officers they also give a suitable reward so that our morale and motivation to do good work keeps high. सिंस द केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ NDPS एक्ट एंड द IU ऑफ दिस केस इज OC हिमसेल्फ
सो वील मेक श्योर दैट दिस केस रिजल्ट इन टू कन्विक्शन फर्स्ट. सेकेंड नाउ ऑनवर्ड्स एवरी केस वील ट्राई आर बेस्ट दैट इन्वेस्टिगेशन इज डन इन सच अ वे दैट एवरी केस रिजल्ट इन टू कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज. बस मैं ज़ीरो के रेजिडेंट से, यहाँ के लोगों से, बीइंग एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारा ज़ीरो का हेल्पलाइन नंबर है, एंटी ड्रग हेल्पलाइन नंबर, आप उसको यूज़ करिए, आप हमें सपोर्ट करिए, बिकॉज ये एक ऐसा वॉर है. इट्स अ वॉर ऑन ड्रग्स, इट्स नॉट अ लोकल इशू, इट्स नॉट अ डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड इशू, आई वुड से इट्स एन इंटरनेशनल इशू. द ड्रग रैकेट्स ऑपरेट्स एट द इंटरनेशनल लेवल, नॉट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो अगर हमें सिटीजन्स का सपोर्ट मिलेगा, वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे, इट्स माय एश्योरेंस, इट्स माय गारंटी दैट देयर आइडेंटिटी विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, इट विल नॉट बी रिलीव्ड एट एनी कॉस्ट, दे विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड बाय मी इन पर्सन एंड विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी. एंड सेकेंडली इट विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि जब सिटीजन्स पुलिस के साथ जुड़ जाते हैं तो जो आउटपुट होता है, जो रिजल्ट्स होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं. अकेले एक डिपार्टमेंट के करने से इसमें उतना बेहतर रिजल्ट नहीं आएगा. अगर लोग हमसे जुड़ेंगे, हमें आके सोर्सेज के बारे में बताएंगे, सप्लायर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, बिकॉज वो ग्राउंड पर रह रहे हैं, दे आर लिविंग इन द एरियाज, और उनके बच्चे इससे अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी जनरेशन अफेक्ट हो रही हैं. सो दे मस्ट रियलाइज दिस फैक्ट कि वो जितना जल्दी इस चीज़ को एक्नॉलेज करें, इस चीज़ के बारे में अवेयर रहें और एक्टिव रहें, उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. सो मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आगे आइए, हमें सपोर्ट करिए, कोऑपरेट करिए, हेल्प अस इन गिविंग द इंफॉर्मेशन एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर लाइफ इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट आई कैन अश्योर. उस हाउस ओनर को हम इसमें केस में नोटिस डेफिनेटली देंगे कि वेदर उसने टेनेंट वेरिफिकेशन प्रॉपरली कराया था कि नहीं कराया था, बिकॉज इट वॉज अ रेंटेड हाउस. सो जो लैंडलॉर्ड है उसकी जिम्मेदारी होती है टेनेंट वेरिफिकेशन कराना, अगर उसने नहीं कराया हुआ तो ही विल ऑल्सो बी बुक्ड अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ द लॉ.